हैं महायज्ञ समिति के संयोजक श्रद्धे अरविंद प्रसाद हिमांशु जी से कि वे हमारे माननीय विधायक श्री सतपुत्री यादव जी का स्वागत चंदन लगा करके चंदन हो गया माला मंत्र चादर से स्वागत करें। हमारे प्रज्ञा पुत्र शांति चुके उनका भी भाव स्वागत किया जाए, चंदन धारण कराए, मंत्र चादर से उन्हें सम्मानित करें और उनका अक्षर पुरस्कार कैथोलिक लोगों का भी कैथोलिक लोग भी हमारे बीच आए हुए तो उनका भी स्वागत किया जाए। लंबा कीजिए ना। हम अनुरोध करेंगे कि हमारे प्रज्ञा पुत्र अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से पधारे। हमारे टोली के जो सदस्य हैं वे मंच पर आसीन हो। स्टाफ ठीक नहीं है। साउंड वाले से अनुरोध है कि उन्हें साउंड उपलब्ध कराएं। एक बार और कार्यक्रम का शुभारंभ अब होगा। हम इस अवसर पर अनुरोध करते हैं कि दो शब्द शुभकामना के रूप में हमारे माननीय विधायक जी छत्रपति यादव जी यहां से हम सबों के लिए संप्रेषित करेंगे। उनका शुभकामना, उनके द्वारा की गई शुभकामना, उनके द्वारा दो शब्द हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। हम अनुरोध करते हैं कि ये यहां हुए यहां आए और अपने दो शब्द हम सबों के बीच में रखने की कृपा करें। साउंड वाले तेजी से साउंड की व्यवस्था करें। यहाँ यहाँ नायक बालक बैठेंगे, हमारे टोली के नायक बैठेंगे, वे बोलेंगे। यात्री परिवार में यात्री परिवार के समस्त सहयोगी को मैं सरिया विधानसभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और जग की सफलता के लिए मां ज्ञात्री से प्रार्थना करता हूँ कि आप इतना ऊर्जा हम लोग बीच में पकड़ के लिए कि हम तमाम सहयोगी जो आपके सेवा में लगे हुए हैं उनके परिवारों, उनके बाल बच्चों और समाज गांव में एक शांति की वातावरण कायम हो सके और परिवार में एक अच्छे चरित्र का निर्माण हो सके। आज कलश यात्रा के अवसर पर मां ज्ञात्री से प्रार्थना करता हूं आप लोग की ओर से और अपनी ओर से। हमारे खगड़िया जिला और खगड़िया विधानसभा में एक ऐसा वातावरण निर्माण हो जहां भय और आतंक का माहौल खत्म हो, आपस में सामाजिक समस्या का प्रभाव पड़े ताकि समाज के बीच में नई रोशनी आ सके और आने वाले कल के जो बच्चे हैं उनके भविष्य उज्जवल हो सके। मैं माँ यात्री से ये प्रार्थना करता हूँ। आज का कलश यात्रा बहुत ही चिरस्मरणीय हम लोग के बीच में रहेगा। खगड़िया जिला का नाम यात्री परिवार में बिहार में सबसे अव्वल है क्योंकि हम हर जिला में जाते हैं यात्री परिवार के बीच में, तो अपनी खगड़िया की महत्ता भी बिहार में एक स्थान प्राप्त किए हुए है। और आप लोग के आशीर्वाद से वंदे माता जी से मुलाकात जब पहली बार पटना आई थी एयरपोर्ट पर, बहुत बात जब हो रहा था तो स्वयं उनके सानिध्य में आधा घंटा बिताने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं कि बहुत पहले 30-25 साल पहले उनसे हमारी दर्शन हुई थी। आज उनके प्रेरणा से आपके बीच में बार बार आने का जो अवसर प्रदान हो रहा है वो वंदे माता जी का ही आशीर्वाद है और उनकी कृपा से ही आपके बीच में मुझे बुलाया जाता है और हम आते भी हैं कि मैं हम सौभाग्यशाली है और भाग्यशाली मानता हूँ कि अपने ज्ञात्री परिवार में मुझे आने का अवसर प्रदान माँ देती है। माँ को चरण में नमस्कार करता हूँ और कलश यात्रा की शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ सभी लोग को आए हुए सहयोगी को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी लोग स्टेज खाली करें। बहुत बड़ा बहुत बहुत कृतज्ञता के साथ माननीय विधायक जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा अवकाश तक अनहित बैठे, गुरु वंदना सुन के तब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हाँ ठीक है, एकदम हमारे व्यवस्थापक जी पहना रहे हैं माल्यार्पण। शंख की ध्वनि के साथ अभी स्वागत करें और एक गुरु वंदना हमारे ट्रस्टी अनिल जायसवाल जी भी उन्हें मंत्र चादर समर्पित करेंगे। हमारे टोली के नायक
सभी के बैठे आइए गायत्री मन हमारे साथ साथ बोलिए बोलिए दोनों हाथ प्रातः काल में भी सोशल हेल्प करते हुए गायत्री मन हमारे साथ साथ जिस के पैसे से निमंत्रण को हजारों को दिया गया था लेकिन ये सौभाग्य खुशी को दिया गया है सतगुरु जी का मन भीतर धाम है ऐसे दिल दयालु मेरा पताए पताए प्रेरणा है सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों बोले 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 ब
हमारे बीच जिस वार्ड में यह गायत्री शक्तिपीठ अवस्थित है उसके माननीय वार्ड पार्षद श्रद्धेय बंटा जी हमारे बीच पधारे हैं। हम अनुरोध करते हैं महायज्ञ समिति के संयोजक श्री अभिन प्रसाद महासु से हो गया। चलिए आओ हम प्रज्ञापुत्र टोली नायक श्री विनय बाबू को समर्पित करते हैं। हमारे प्रज्ञापुत्र त्रिलोचन जी मंच पर विराजमान है, अब वे इस कार्य को संपन्न करेंगे।